Okay, so hello everyone. This is Tushar Chaudhary and I'm All India Rank 86 in GATE 2021. And today I welcome you all on this session of Champions Week. तो आज हम बात करेंगे मेरी स्टोरी के बारे में कि मैंने बेसिकली गेट की प्रिपरेशन कैसे करी और मेरी लाइफ जर्नी के बारे में और मेरे आगे आने वाले सेशंस किस थीम पर रहेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो यार लोग, तो यार जितने भी लोग अभी अभी मैं देख रहा हूँ कॉमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले यार ये याद रखेंगे कि आज मेरा एक सेशन है आज 10 PM पे, एंड दिस सेशन इज़ ऑन यार अनअकैडमी, ठीक है? अनअकैडमी की ऐप पे है। तो इसमें करेंगे क्या, इस सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स लूँगा रिलेटेड टू ये मैंने मतलब बड़ी मेहनत से एक स्लाइड बनाई है आप सबके लिए। इसमें मैं डाउट लूँगा यार आज आपके कि हाउ टू यू नो गेट अ 200 रैंक टॉप, मतलब हाउ टू इंश्योर कि यू गेट अ टॉप 200 रैंक। क्योंकि देखो मैंने गेट में मतलब पहली बार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 86 आया है और इससे पहले मैंने जेई एडवांस में भी रैंक 128 आया है। तो मुझे पता है कि मतलब मुझे पता है कि हाउ टू गो अबाउट दी यू नो एग्जाम्स दैट जेई मेक्स, दैट आईआईटी मेक्स, एंड आई हैव स्टडीड अंडर द प्रोफ्स ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो मुझे पता है कि मतलब कि कॉन्सेप्ट पे कितना जोर दिया जाता है और भी चीज़ें जो एक अच्छे वेल इक्विप्ड एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है? तो आज मैं मतलब इसके बारे में बात करूँगा, ये सारी बातें कि रिवीजन कैसे करें, कि आप गेट की प्रेप में क्या चैलेंजेस आते हैं। मतलब देखो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है? कि मतलब मेंटल प्रेशर इतना रहता है, फैमिली इशूज़ रहते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मशीन्स पढ़ रहे हैं, 3 दिन तक मशीन पढ़ा, 4th दिन सवाल हो रहे थे, 10वें दिन पढ़ा सवाल हो ही नहीं रहे, ठीक है? समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, KCL, KVL, Thevenin, Norton, तो आई विल कवर दैट पार्ट, ठीक है? एंड आई सो फ्रेंड्स आई प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद जॉब, ठीक है? आई वॉज वर्किंग इन इंटेल, तुम लोग ने नाम सुना होगा ना इंटेल VLSI प्रोफाइल वगैरह, उसमें मैं काम कर रहा था। आई टेक ऑल योर अदर डाउट्स और आप लोग आएंगे ज़रूर, आप लोग यार आएंगे ज़रूर। ये बहुत ही मतलब लाइट हार्टेड सेशन होगा, इसमें कोई दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं, आपको बस आना है, बैठना है और देखना है, ठीक है? तो यार इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर रखा है, इसमें आप जाएंगे, सो मैं बताता हूँ, इसमें आप जाएंगे, आप अनअकैडमी पे जाएंगे। अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करिएगा। आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? फिर उसके बाद आप जाएंगे मेरी प्रोफाइल पर, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, ठीक है? और कहीं पे भी अगर आपसे कोड मांगते हैं तो यू हैव टू यूज़ द कोड ऑफ तुषार गेट, ठीक है? अब तुम सोचोगे कोड क्यों यार, ये कोड के बिना तुम्हें एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है? तुषार गेट पूरा ऐसे लिखा रहेगा, तुषार गेट करके, ठीक है? बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ठीक से बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों? तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। अब तो होता क्या है ना, यूट्यूब में धीरे धीरे करके लोग आते हैं, तो पहले 2-3 मिनट में सब यू नो एवरी स्टूडेंट कम्स एंड सिट्स डाउन। तो अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। चलिए तो आप लोगों को मैं पहले अब थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है? तो हाय, दिस इज तुषार चौधरी, ओके? एंड एज आई सेड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 86 इन गेट 2021 इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है? और मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था 2016 में, उसमें आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 128। फिर उसके ज़रिए दोस्तों मैंने BTEC ज्वाइन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मुझे कंप्यूटर साइंस में आज तक पहले से इंटरेस्ट नहीं था इसलिए, ठीक है? फिर कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू आई गॉट इनटू इंटेल डिजिटल डिज़ाइन, और मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आई टोटली रिलेट कि राइट नाउ यू माइट बी थिंकिंग यार ये तो स्टड लड़का है, ये तो पैदाइशी मतलब मचा रहा है, तो अब तो मतलब ये तो वही है कि कुछ होते हैं ना लोग जो ज़िंदगी में स्टार्टिंग से अच्छा करते जा रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई विल टेल यू द स्टोरी टुडे, ठीक है? आज मैं तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें स्टोरी समझाता हूँ कि यार कब मैंने लाइफ में मतलब अच्छा करना स्टार्ट किया, ठीक है? और कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या सीखा, आई विल टेल यू द कम्प्लीट स्टोरी टुडे, ठीक है? और बाकी जो तुम्हारे रिमेनिंग डाउट्स होंगे आज वो मैं अनअकैडमी के सेशन पे लूँगा, जिसमें आप सबको आना है 10 बजे रात के, ठीक है? तो देखो यार बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आज। तो देखो मेरी लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है बिजनौर से, ठीक है? बिजनौर का जिसने नाम सुना है कॉमेंट सेक्शन में डालेंगे। बिजनौर इज़ अ स्मॉल सिटी फ्रॉम UP, ठीक है?
तो माई डैड इज इन स्टेट गवर्नमेंट में थे तो वहाँ पे रहते थे। तो यार बिजनौर में तो मैं रहा था मतलब अपना थर्ड क्लास तक। तो यार बचपन में तो क्या ही होता है, कुछ नहीं, बस अपना मतलब खुशी खुशी स्कूल का होमवर्क करते नहीं थे, खुशी खुशी अपना रहते थे, सब बढ़िया था। ठीक है, ICSE बोर्ड में आई स्टडी इन द स्कूल कॉल्ड सेंट मेरीज, ब्यूटिफुल स्कूल। तो अभी तक लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, फिर हम आते हैं इंदिरापुरम। इंदिरापुरम इज़ NCR में है, इंदिरापुरम सबको पता होगा। इंदिरापुरम में फिर आते हैं, देन आई मूव टू DPS इंदिरापुरम। यार यहाँ पे थोड़ा गेम चेंज हुआ, यहाँ पे मेरी लाइफ का गेम चेंज हुआ। ठीक है, यार जितने भी लोग छोटे शहरों से आते हैं, वो सब कमेंट में अभी डाल के बताएंगे कि डू यू अग्री और डू यू नॉट। कि यार एक थोड़ा सा ना, जैसे ही मैं मतलब स्कूल में आया, तो यार जैसे ही मैं स्कूल में आया मैंने देखा यार कि यहाँ पे सारे लोग वेल ऑफ थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग वेल ऑफ थे, सारे लोग में मतलब यू नो दोज हैवी टर्म्स लाइक एटिकेट्स एंड मैनर्स, एवरीवन हैड दैट। और मैं तो था बस यार एक छोटे शहर का लड़का। ठीक है, मैं था एक छोटे शहर का लड़का। ठीक है दोस्त, फिर यार मुझे दिक्कत आई इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्योंकि यार हुआ क्या, DPS में तो यार टीचर ये कहती थी कि हर कोई अपना जो लंच बॉक्स लाएगा वो पूरा यू नो नैपकिन में रख के लाएगा, और अच्छे से ये स्टील व्हील के डब्बे ये सब नहीं, मतलब बेसिकली सब टीचर का आइडिया ये था कि अब आप लोग थोड़ा अपने आप में सुधार लाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड वो सब। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार मेरी तो जो स्कूल के कपड़े हैं वो नीले हो जाते थे, जब नील लगा देते ना बहुत ज़्यादा तो लोग समझते हैं, और यार मैं समझ नहीं आया कि यू नो हाउ डू आई गो अबाउट इट। देन मतलब तब तो बचपन में इतना कोई नहीं सोचता, अब तो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि हाउ डिड आई गो अबाउट इट, है ना। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ना चालू किया। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना चालू किया और क्लास 5th में पहली बार मैं आ गया फर्स्ट, जिंदगी के पहली बार मैं फर्स्ट आया था। अब यार मैं जैसे ही फर्स्ट आया ना, अब यही क्लास मूव ऑन हुई 6th तक। ठीक है, दिस होल क्लास मूव ऑन टू 6th स्टैंडर्ड। नाउ आई हैड ऑल द फ्रेंड्स। ठीक है, अब मेरे बन गए थे बहुत सारे दोस्त। तो मतलब मुझे ज़िंदगी का एक मतलब समझ में आ गया यार कि फॉर दैट टेन ईयर ओल्ड किड, ठीक है, तब उसने इतना सोचा नहीं। जब लाइफ ने उसको एक सिचुएशन दी, देन ही डिडंट थिंक। होता क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम 20-22 साल के हो जाते हैं, देन वी स्टार्ट एनालाइजिंग। हम करते कम और सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, बट दिस 10-year-old किड, ही वॉज न्यू टू द वर्ल्ड, तो बस अपना चुपचाप पढ़ता रहा, यू नो स्कूल में चुपचाप टिफिन खा के अपना बैठ गया। देन 6th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, जब 5th स्टैंडर्ड फर्स्ट आया था तो एवरी क्लास ही वॉज बेसिकली द स्टार ऑफ द क्लास। ठीक है, एवरी वन स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। तो मेरे अंदर यार ये इनकलकेट हो गया अपने आप सबकॉन्शियसली कि अपना काम करते रहो अच्छे से, अपने काम के साथ मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, खुशी खुशी अच्छे से काम करो, देन यू गेट अ ब्यूटिफुल फ्रेंड सर्कल, यू हैव अ यू नो वेरी हैपनिंग लाइफ दैट वे। ये तो बहुत छोटा सा लेसन था, तो मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा यार, मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन दूंगा, उसमें बीच बीच में ये वाले पोर्शन आएंगे जिसमें इट सेज अबाउट कि वॉट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, तो पहली बात तो यार जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें ऑल इंडिया रैंक 4, 19 एंड 86 है। ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 4, 19 और 86 है। तो इसमें यार विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, स्टेट AE जितने भी एग्जाम हुए, ये भी एक हमारे एक इनफॉर्मल से ग्रुप है। बेसिकली ऑल ऑफ दिस पूरी जो मुहिम है ना, ये आइडिया इज टू जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बैरियर होता है उसको कम करते हैं। ठीक है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बैरियर होता है उसको कम करते हैं। और वैसे भी मैं तो यार 22 साल का हूँ, तो मुझे एजुकेटर तो नहीं मतलब कहला सकते अभी। सो विल बी मोर लाइक योर प्रेप बड़ी, योर प्रिपरेशन बड़ी, कि मतलब वो ऐसे भैया नहीं होते हु टेल यू कि हाँ ये यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, तो डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये चीज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने लिंक में डाला है, अनअकैडमी पे आज सेशन होगा जिसमें आई टेक योर डाउट्स ऑल्सो, उसमें आपको जो भी प्रेप रिलेटेड डाउट है, ठीक है, आई टेक दैट। तो उसके लिए आप लोग रजिस्टर और एनरोल करेंगे। तीसरा, फ्यूचर में जितने भी मेरे कोर्सेज आएंगे उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यू विल नीड नोटिफिकेशन फॉर दैट, राइट, यू विल गेट द नोटिफिकेशन इफ़ यू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आप कूल,
चौथा, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, बेसिकली अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आई विल इंश्योर सो यू गाइस हैव टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई विल इंश्योर दैट यू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. ठीक है, दैट यू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा. वैसे भी अन अकेडमी की फीस आर द लोएस्ट अमंग ऑल द कोचिंग, एंड द क्वालिटी इज द हाईएस्ट डेफिनेटली. ठीक है, स्टिल अगर आप लोग यू नो इफ आई एम वेरी बिजी एंड यू आर नॉट एबल टू रीच मी आउट, देन यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम. मे बी तीन चार दिन में एक बार मैं यूज कर देता हूँ इसको, तो यू कैन रीच मी आउट हियर ऑल्सो. ठीक है, दिस इज ओनली दैट आई वॉन्ट फ्रॉम योर एंड. तो इसको फटाफट से आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, एक बार यार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है. ओके कूल, तो द रिकॉर्डिंग इज ऑन. और तो देखो यार, अब मेरी लाइफ स्टोरी ये हुई कि मैं धीरे धीरे पढ़ने लग गया अपना लाइफ में, अपना पढ़ता रहा. तर हुआ क्या एग्जैक्टली बता रहा हूँ. 8th क्लास में देयर इज दिस एग्जाम कॉल्ड NTSC. ठीक है, मैंने उसकी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी. मतलब माय मॉम एंड डैड, माय पेरेंट्स, मतलब मैंने बहुत समझाया कि नहीं मुझे प्रेप करनी है. और दे पेड लाइक 20,000 to 25,000. माई डैड इन गवर्नमेंट सर्विस, वी नो कि सरकारी में मतलब पैसे, द सैलरी दैट यू गेट इज नॉट दैट हाई. ऑब्वियसली द पर्क्स आर ऑब्वियसली रियली गुड. तो दे पेड इतना अमाउंट फॉर मी, एंड आई हैड क्लियरली लाइक क्लियर फन. आई हैड फन इन स्कूल. मतलब बेसिकली जो ये कोचिंग होती थी, इस कोचिंग में मैं कुछ नहीं करता था. मैं आराम से क्लास के बाद सो जाता था कोचिंग में जाके. और जो जो बेसिकली जब स्कूल से सारे बच्चे चले जाते थे, ये कोचिंग स्कूल में होती थी, जब स्कूल से सारे बच्चे चले जाते थे, वी यूज्ड टू हैव लंच. सो यूज्ड टू हैव आराम से राजमा चावल खाया और क्लास में जाके सो गए. ठीक है, मेरे लिए ये पूरा जो मनी था, दैट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट. आई यूज्ड इट कि चलो स्कूल में रहने को मिल जाएगा और, ठीक है, स्कूल स्टे और बढ़ जाएगा. एंड ऑब्वियसली आई डिडेंट क्लियर एनटीएससी. बट वॉट आई डिड ना, तब तक NTSC प्रेप में मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा था एक्चुअली. ठीक है, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मेरा इतने टाइम में मैथ्स थोड़ा इंप्रूव हो गया था, नॉट फ्रॉम द कोचिंग. मैंने खुद से मतलब आई डिस्कवर्ड कि मैथ्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैथ्स में आई गॉट बेटर, पहले से बेटर. ठीक है, आई डिडंट गेट सिलेक्टेड इनटू NTSC. डन. नाउ दिस वॉज द शॉक ऑफ माई लाइफ. ठीक है, ये शॉक इन्हांस हो गया when my elder sibling he got selected into AIIMS Delhi. ठीक है, यू नो द रिलेटिव्स कमिंग एंड आस्किंग कि अब तो तुम भी तो कुछ अच्छा ही करोगे लाइफ में. देन आई वॉज शॉक्ड कि मैं अभी एक फेलियर से मतलब उभरा नहीं, उधर मेरे बड़े भाई ने लाइफ में मचा दिया है. यू नो देन द प्रेशर जस्ट डबल्स, द प्रेशर जस्ट बिकम्स 2x. ठीक है, फिर 9th के बाद फिर मैं मतलब आई टुक अ कंप्लीट यू टर्न. मतलब इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में ऐसे आप अचानक से नहीं बदल सकते, आई डिसएग्री विद देम. मतलब आप एफर्ट इतना लगा दो कि ऑब्वियसली आप आज जो हैं कल रात ठीक अगले दिन आप ऑब्वियसली वही रहेंगे, क्योंकि एक मोमेंटम कैरी कर रहे हैं. पर आप पूरी जान लगा देना तो आप मतलब 21 से 45 दिन लगते हैं बस. यू कैन टोटली चेंज. ठीक है, इसमें एक थ्योरी भी होती है कि 21 दिन में आपकी हैबिट बन जाती है और 90 डेज के बाद आपकी पर्सनैलिटी मतलब बदल जाती है बेसिकली. तो फिर आप देख सकते हो कि कैसे एकदम ये एक भालू प्रकार का एक इंसान है. ये नाम है यहाँ पे, एक भालू प्रकार का इंसान है जिसको क्लियरली देख के लग रहा है कि इसने बस अभी, दिस इज माई पिक्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड 12, इसने बस चुपचाप बैठ के पढ़ाई करी है और ये दुनिया की और मतलब वो माया से दूर है. ठीक है, दिस इज मी. एंड सो आफ्टर दिस आई क्लियर्ड IIT JEE विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 128, विच इज एन ऑसम रैंक. And I'm still proud of it. Okay, it's an awesome rank. Then I got selected in IIT Delhi and I took electrical engineering as my branch. Okay, computer science I didn't take because I didn't want to sit in front of a computer coding. I wanted something more mathematical. And obviously, after 12th, no one knows what exactly in which branch is going on. So we just chose it after talking to people. And so after talking to seniors, I ended up here. 4 ब्यूटिफुल ईयर्स ऑफ माई लाइफ. ठीक है, अब यार यहाँ की एक अलग स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ. दिस पिक्चर तुम्हें बहुत खुश पिक्चर लग रही है ना, कि तुम्हें अपनी IIT की स्टोरी बताता हूँ. ठीक है, इसको थोड़ा लोग सब ध्यान से सुनेंगे. सो दिस इज़ माई IIT Delhi स्टोरी.
मतलब मैं तुम्हें स्टोरी तो ऑब्वियसली 4 साल की तो पूरी एक सेशन में नहीं बताऊंगा, आई टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में तो यार सब चोमो होते हैं, है ना, कुछ नहीं, बस ऐसी ज़िंदगी बस काट रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सब चोमो टाइप्स होते हैं यार। सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम था, ठीक है दोस्त, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम था, इसमें 75% अटेंडेंस रूल होता है ना, इट वॉज वेव्ड ऑफ। मतलब लोगों को बोला गया कि कोई 75% अटेंडेंस रूल नहीं है, आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो नहीं आइए। तो देखो जितना मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट था बचपन से, तो ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियसली मैं मतलब एक महीने तक एक भी क्लास नहीं गया, ठीक है, एक महीने तक एक भी क्लास नहीं गया, ठीक है। और ये होता क्या है कि जब आपको आदत लग जाती है ना, लग गई ना वो 21 डेज वाली आदत, ठीक है, आदत लग गई ना, फिर कुल मिला के मैं पूरा सेमेस्टर, द होल कंप्लीट सेमेस्टर आई डेंट गो क्लास, कंप्लीट सेमेस्टर में क्लास नहीं गया, ठीक है, कंप्लीट सेमेस्टर आई डेंट गो टू द क्लास, एंड आई गॉट दैट सेमेस्टर आई गॉट 5.31 SDPA, SDPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, एंड आई वाज लाइक कि हमें मतलब हुआ क्या ये, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। देन फ्रेंड ने चढ़ाना वगैरह चालू कर दिया, यू नो, 5 पॉइंटर्स कॉल्ड पंजी। देन धीरे धीरे आई रियलाइज इट वॉज अ वेरी, यू नो, दिस पीरियड वॉज आफ्टर गेटिंग दिस ग्रेड एंड यू नो पीपल अराउंड यू चेंजिंग देयर बिहेवियर, कि भाई जो फर्स्ट बेंचर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी बन जाती है ना, फर्स्ट बेंचर, सेकेंड बेंचर, थर्ड बेंचर, लास्ट बेंचर, लास्ट बेंचर, तो ये लोग तो मुझे देख के मतलब कुछ समझते ही नहीं थे, मतलब ये कुछ बात भी नहीं करते थे मुझसे, ठीक है। तो मेरा फिर पीछे वाले बेंचर का ग्रुप बन गया था, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे यहाँ से आगे निकलना है, मुझे यहाँ से आगे निकलना है। तो इस फेज में मैं पूरा मतलब यू नो ऑल दोज जो भी तुम्हें कहते हैं कि डिप्रेस्ड हो गया, यू नो मेंटली बहुत लो लगा, ठीक है, मेंटली बहुत लो लगा, वो सब कुछ आई फेस्ड, मतलब देयर वर नाइट्स आई क्राइड, बट आई कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड इन माई फोर्थ सेमेस्टर। एंड द की टू इज वॉज, यू नो, माई डैड सेड कि तुम सुबह क्लास में चुपचाप नहा के जाया करो और वो सब। सो मतलब यहाँ नहाने से नहीं है, मतलब ये कि वैन यू आर वेकिंग अप फॉर द क्लास एंड यू आर टेकिंग अ शावर फॉर इट ना, तो एक डिसिप्लिन की एक फीलिंग आती है, ठीक है, तो यू गेट डिसिप्लिन, तो जो डिसिप्लिन आता है देन यू आर ऑल अप अवेक एंड देन यू आर गोइंग टू द क्लास, कि हाँ मैं क्लास जा रहा हूँ विद ऑल, यू नो, विद ऑल प्रिपरेशन, क्लास में जाके नोट्स वगैरह बनाए। द फोर्थ सेमेस्टर आई गॉट, यू नो, 8 SDPA एंड दिस वॉज नॉट इनफ। उसके अगले सेमेस्टर आई गॉट 8.8, ठीक है, उसके अगले सेमेस्टर आई गॉट 8.8 एंड आई वॉज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो यार ये अभी इसकी तुम्हें मतलब ये बात कितना वेट कैरी करती है तुम्हें भी हो सकता है समझना है। यू नो दिस जर्नी ऑफ माइंड 5.31 टू 8.8 की जो जर्नी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत बहुत मतलब समझेंगे, मतलब जितने भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड द पेन एंड द गेन। ये जो जर्नी है ना, इट बिकेम वेरी, इट्स लाइक अ ट्रेजर बॉक्स फॉर मी, मतलब ये कैसे एक, यू नो, इट्स लाइक अ ट्रेजर बॉक्स फॉर मी इन लाइफ, जिसमें ऐसे बहुत सारा सोना भरा पड़ा है यहाँ पे, एंड यू नो वेन एवर आई गेट डाउन आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस एंड आई फील हाईली कॉन्फिडेंट। बेसिकली जिस इंसान ने मतलब हेल और हेवन दोनों देख लिया है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो मुझे यार समझ में आ गया कि अब पहली बार जीवन में लगा यार कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता और एकदम गॉड गिफ्टेड भी कुछ नहीं होता, एटलीस्ट मैं तो किसी गॉड गिफ्टेड बंदे से अभी तक मिला नहीं हूँ, ठीक है। ये कह सकते हैं कि IIT JEE में जिनकी एकदम टॉप 50 में रैंक आती है, चलो वो थोड़े, यू नो, दे आर स्पेशल किड्स, उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, मतलब यार सब मेहनत का ही खेल है। मेहनत भी क्या, मतलब जितना तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे उसमें, जितना तुम फोकस करके टाइम इन्वेस्ट करोगे, सारा उसका खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जर्नी मैंने बताई। अब अगेन ये मैं तुम्हें जल्दी से रिमाइंड कराता रहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि लोग अलग अलग टाइम पे, यू नो, ज्वाइन करेंगे। तो यार ये टेलीग्राम लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, ज्वाइन करना। इसमें बेसिकली गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टेट AEJEE के लिए है, और इसमें ऑल इंडिया रैंक 419 और 86 का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। और आज रात को 10 बजे नो योर एजुकेटर की सेशन हो रही है, जिसमें आप लोग मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आज मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि टाइम का काफ़ी क्रंच है। आप अनअकैडमी मुझे फॉलो करेंगे, तुषार चौधरी इज माई नेम, आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं तुषार गेट,
या आप मेरा कोड क्लास में एनरोल करने के लिए भी यूज़ करेंगे, और या आप मेरा कोड कभी भी यूज़ करते हैं तो आई इट्स अ प्रॉमिस, आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू रीच आउट करिए, आई गेट यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, ठीक है? जी सब ठीक है, अब बात सुनेंगे। अच्छा, हमारे इंस्टाग्राम पे अगर किसी को फॉलो करना है तो कर सकते हैं, तुषार डॉट ट्रैवल्स का प्रोफाइल। अब हुआ क्या, अब ये बंदा सुनना इस बात को सुनना। अच्छा, बात सुनने से पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग, यू नो दिस माय फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग इज ऑन, कूल। इस बात को सुनेंगे सब लोग, ये मेरा पहला लेक्चर है बाय द वे। हाँ, जो बंदा 5.31 SDAP लाया अपने एक सेमेस्टर में, ठीक है, फिर वो इम्प्रूव किया 8, फिर वो इम्प्रूव किया 8.8, फिर अगले सेमेस्टर में मैंने उसको यू नो कंटिन्यू रखा 8.5 ऐसे। दिस मैं इसके बाद के सेमेस्टर का रिजल्ट, तो बेसिकली मैं ऐसे लो गया लाइफ में, फिर एकदम ही हाई गया, ठीक है? तो इस जर्नी से जो बंदा 5.31 SDAP लाया, ठीक है, फिर वो अपने कॉलेज में फाइनली ही गॉट प्लेस ऑन day 1 slot 1, ठीक है, इट वॉज मी day 1 slot 1, मतलब पहली कंपनी जो सुबह यू नो प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होते हैं और जो पहली कंपनीज आती हैं वो स्लॉट वन में आती हैं, ठीक है, एंड आई गॉट प्लेस इन दैट, समझ रहे हो? तो इसमें अलग बात ये सुन, मतलब ये बात में पता चली थी कि इंटेल ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें यू नो ऑल माई 150, सो IIT दिल्ली में देयर आर टू डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर ऑटोमेशन। तो इसमें ये दोनों लोग इसमें बैठे थे, आउट ऑफ दीज 150 पीपल आई गॉट सेकेंड रैंक, ठीक है, आई गॉट सेकेंड रैंक, एंड इंटेल टू टू पीपल, द गाय हु गॉट फर्स्ट रैंक एंड द गाय मी, ठीक है, सेकेंड रैंक, ठीक है। बेसिकली वो VLSI प्रोफाइल के लिए ज़्यादा लोगों को लेते नहीं है, तो फ्रॉम BTech, फ्रॉम द एंटायर IIT दिल्ली कैंपस, फ्रॉम BTech दे टू पीपल। MTech से आई थिंक उन्होंने लिए थे पाँच छः लोग लिए थे MTech से, आई थिंक 5 से 6 लोग लिए थे, ठीक है। एंड आई सी जिस तरीके का मैं बंदा था अभी तक, तो सी मतलब मैं बस चला गया था प्लेसमेंट में, ठीक है, मतलब लाइक कि ठीक है, मैंने पूरा पढ़ाई पे ध्यान दिया था, मैंने इंटेल के लिए में, फिर मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना होता है, डिजिटल एनालॉग नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल सिस्टम ये सब मैंने पढ़ा था। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पे अपनी सेल्फी से फ़ोटो खींची, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी से फ़ोटो खींची। एक्चुअली यार 8 बजे वाला जो स्लॉट होता है ना, ये ऐसा क्यों हुआ कि मैंने अकेले नहीं खींची, मतलब 8 बजे वाले स्लॉट में बहुत ही कम लोग जाते हैं, day 1 स्लॉट में बहुत ही कम लोग जाते हैं, इट्स दी एकदम टॉप मोस्ट जो लोग जाते हैं, तो उस वक्त कोई उठता भी नहीं है बेसिकली, उस वक्त कोई उठता भी नहीं है, तो बेसिकली कितने लोग, मतलब कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग यार, इंजीनियरिंग का कोई अगर लड़का मतलब 10 बजे उठ रहा है सुबह के, तो वो तो अब नॉर्मल बात है ना, मतलब आराम से 1-2 बजे उठते हैं, तो उस वक्त कोई उठता नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो जॉब लग गई है, अपनी खुद की फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर मैं हॉस्टल गया, लोगों को उठाया, बोला कि भाई हो गया, जस्ट डन, दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई गॉट थ्रू, एंड देन फिर पार्टीज वगैरह एंड ऑल। तो ये जर्नी एक काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद सो इट वाज बेसिकली फिर यू नो फाइनल सेमेस्टर में हम आ गए, ठीक है, देन आई रीच टू माई फाइनल सेमेस्टर। फिर मार्च 2020 में कोविड आ गया था ना, एंड अगस्त वाज माई ज्वाइनिंग डेट, अगस्त 2020 वाज द ज्वाइनिंग डेट। इतने में मैंने दो चीज़ें करी, एक तो मैंने अपनी गेट की प्रेप स्टार्ट करी, और मैंने आई को फाउंडेड दिस ऐप कॉल्ड Copa 19, ठीक है। ये पूरा जितने भी लोग करंट अफेयर्स वगैरह फॉलो करते हैं, यू विल गेट टू नो कि ये तुम्हारे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अभी गूगल सर्च कर लेना तुषार चौधरी Copa 19, यू कैन रीड मोर अबाउट इट, ठीक है। अब बात आते हैं कि ठीक है, co-founded Copa 19 ये सब ठीक है, गेट की प्रेप का क्या सिनेरियो है, यू नो ये कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है यार। अच्छा हाँ, ये ग्रीन टी है, ठीक है, इनकेस तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलने लगे, ये ग्रीन टी है, ठीक है यार। गेट की प्रेप का फंडा ये है, किसी ये था मार्च, ठीक है, मार्च टू अगस्त मुझे पता था कि अब कुछ नहीं, अब घर बैठना है। अगर हम देखो खाली बैठते हैं ना, देखो मेरी आइडियोलॉजी, अगर तुम खाली बैठते हो तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। इफ़ यू आर सिटिंग आइडल देन यू विल गेट सैड, ठीक है, बिकॉज लेट्स फेस इट, लाइफ इज बोरिंग, द वर्ल्ड इज बोरिंग, ठीक है। इफ़ यू गेट कुछ नहीं करोगे तो तुम मतलब यू नो यू विल फेस अ लॉट ऑफ इशूज मेंटली, फिजिकली एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो अगर तुम यार यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो चीज़ मैं कर रहा था ना, ये एक सेकेंड यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था इलेक्ट्रिकल में, अब मेरे को इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था, ठीक है।
यार और ये क्यों हुआ था, क्योंकि तो मैं क्लास ही नहीं जा रहा था यार, यहाँ पे तो मैं क्लास ही नहीं जा रहा था, यहाँ पे तो आई डिडंट इवन गिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट्स चांस ना भाई, ठीक है, अब तक तो मौका ही नहीं दिया था, तो मैंने मौका दिया, यहाँ पे मैंने मौका दिया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था और मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड में जुड़े रहना था, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह आई कि यार एक अपने पास जॉब तो है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक जॉब तो है, पर यार सरकारी सरकारी में मुझे जाना था एक्चुअली, सीधी बात है। अब मेरा मन कर गया सरकारी का, क्योंकि यार कोविड में हुआ क्या, मतलब मेरी फैमिली में भी, मतलब मेरे रिलेटिव में एक्चुअली मैंने देखा कि काफ़ी लोगों की जॉब छूट रही है, उन्हें निकाल रहे हैं बेसिकली जॉब से, है ना, कि डाउन साइजिंग कर दिया, कोविड का टाइम है, सॉरी टू से कि नहीं अभी हम आपको नहीं रख सकते, ये सब ये सब। एंड मतलब माई डैड ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि यार तुम मतलब देश के लिए कुछ करो ना, ये कि तुम सोचोगे कि मैं तो एक प्राइवेट होम के लिए कुछ कर रहा हूँ। इसमें सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, ये मेरा लाइक स्पेसिफिकली एक पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो मेरा यार मन था कि मतलब आई वॉन्ट टू सर्व द गवर्नमेंट ऑफ आर कंट्री, ठीक है। अब उसके लिए यार इंजीनियरिंग के लिए दो एग्ज़ाम है, गेट और ESE, मैंने कोई भी नहीं दिया था 2020 में, क्योंकि मैं मतलब अपने कॉलेज प्लेसमेंट से काफ़ी खुश हो गया था, जो कि एक मतलब बहुत आम है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विद यू नो इंडियन यहाँ पे हमारे साथ कहते हुए लोग हैं कि जॉब लग गई, बात भी सही है ना, जॉब लग गई तो अब क्यों किसी एग्ज़ाम में बैठना है, मतलब तो बैठ के खाने वाली एज लगने लगती है, ठीक है। तो मेरा कहीं ना कहीं यार जब मैं घर पे खाली बैठने लगा, मैं परेशान हो गया था, और मेरा इंटरेस्ट मुझे बोल रहा था कि यार मतलब लेट्स गो फॉर इट, अभी टाइम है, लेट्स गो फॉर इट। तो आई डिसाइडेड, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग नेटवर्क थ्योरी से, और मेरा इंटरेस्ट भी आने लग गया, ठीक है, फिर मैंने कंटिन्यूड माई स्टडी। अब देखो तुम्हें इसमें प्रिपरेशन के बारे में और डिटेल में जानना है, तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा अपने अनअकैडमी वाले सेशन में, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आज हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं ब्रीफ में बता सकता हूँ कि मार्च से अगस्त में मैंने मतलब अपने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, ये मैंने कहाँ से कवर किए थे, खुद से किए, मार्केट से हैंड रिटन नोट्स खरीद लिए, उससे कवर किए, जहाँ जहाँ डाउट आया वहाँ मैंने अनअकैडमी, हाँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मैं ले लिया था, ठीक है, जहाँ जहाँ डाउट आया मैंने अनअकैडमी के मतलब अंकित गोयल सर के, विशाल सोनी सर के मतलब लेक्चर्स मैंने गो थ्रू कर लिए थे, ठीक है। एंड जब अगस्त में व्हेन द जॉब स्टार्टेड, ठीक है, अगस्त में व्हेन द जॉब स्टार्टेड, उसके साथ साथ मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखी कि यू नो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं कि यार ऑफिस के साथ कैसे काम किया करें, तो मैं तुम्हें जल्दी से एक शॉर्ट टेक्निक बता देता हूँ। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे उसने तुम्हें काम दिया है कि तुम्हें वेडनेसडे तक ये काम खत्म करना है, ठीक है, मंडे को उसने तुम्हें काम बताया, तो मैं क्या करता था, मंडे को ही पूरी जान लगा देता था उस काम को खत्म करने के लिए। बेसिकली अगर सुबह 8 बजे मेरे को पता चला ये काम है, तो सुबह 8 से रात के 12 बजे तक ये काम खत्म कर लिया, जिस बंदे को कॉल करना पड़ा कॉल कर लिया, ये काम खत्म कर लिया। ट्यूसडे को फुल छुट्टी, मतलब लैपटॉप नहीं खोला मैंने, मैं अपना पढ़ता रहा। वेडनेसडे को भी लैपटॉप नहीं खोला, यू नो थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है, जब लाइफ में कुछ अपना गोल तुम्हें अचीव करना है तो थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है, मैंने थोड़ा बोल्डनेस दिखानी थी। वेडनेसडे को भी लैपटॉप बंद करके बैठा हमने फुल ऑन यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, और मज़ा भी आता था यार, जब सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिए, क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हुए, वापस यू नो नोट्स पे जाओ, देखो कि अच्छा ये ऐसे होना था, मैं तो कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, उसमें मज़ा भी आता है अपने आप में जब इंप्रूवमेंट होता है। फिर आते आते थर्सडे या फ्राइडे, मतलब मैं उसका गुस्सा देख लेता था कि इंसान कितना नाराज़ है, मुझसे लगता था कि अब तो एकदम मतलब फटने वाले, तो मैं बोलता था कि अच्छा सर वो काम वो तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, वो तो मैं पहले ही करके बैठा हूँ, तो ऐसे मैं करता था कि बताता नहीं था। कॉर्पोरेट का फंडा सबको पता है कि तुमने यार जितना करोगे तुम्हें उतना देंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपनी प्रेस चलाई, और एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो ऐसे मैंने प्रेप चलाई। चलो फिर मैंने कुछ अपने गेट की प्रेप में ना रूल सीखे हैं, आज मैं तुम्हें फटाफट से रूल्स बता दूंगा, बाकी और डिटेल में अपन सेशन रखेंगे अनअकैडमी पे, ठीक है। अब थोड़ा इसको यू नो लेट्स थोड़ा रैंप इट अप, थोड़ा रैंप अप करते हैं, आ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा यार स्पीड फास्ट रहेगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि तुमको एक इसके जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मैं तुम्हें मतलब आराम से 2-3 घंटे के सेशन में दे पाऊँगा, ठीक है। तो यार मैंने तो सबसे पहले ये चीज़ देखा कि तुम्हें पहले एग्ज़ाम जानने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड का टेस्ट है, बेसिकली तुम्हारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स मोर लाइक अ हाई एक्यूरेसी गेम, और 3 घंटे का ही होता है, एक बार या तो मेक इट और ब्रेक इट। तो अब ज़रूरत है कि यू नो दैट वी स्टेप अप फॉर द गेम, अब ज़रूरत है कि भैया दैट वी स्टेप अप फॉर द गेम, ठीक है। तो देखो
जब जो पहली बात थी यहाँ पे, ये तुमने देखी होगी ना, ये थी तो ये वाली बात है टेस्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके लिए कंसेप्ट कैसे अपने स्ट्रॉन्ग करें, देखो जब टीचर पढ़ा रहे हैं चुपचाप बैठ के पढ़ो, टीचर जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं चुपचाप बैठ के करो, ठीक है। उस वक्त ऐसे मोबाइल खोल के पिंकी को मैसेज वैसेज नहीं करना, चुपचाप अपने ये काम करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस फ्रॉम द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ये मैंने एंड में बताई हैं, अभी कोई कनोडिया बिमरा विमरा ऐसा कोई मुँह नहीं खोलेगा अपना, ठीक है। अब सुनो, अब बात आती है हाई एक्यूरेसी गेम, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। देखो एक्यूरेसी का एक ही मतलब एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वर्चुअल कैलकुलेटर से रूबरू हो जाओ थोड़ा, ठीक है, एंड कीप योर नर्व कूल। यार ये तो अपनी दीवार पे चिपका लो, यू नो हम यूथ हैं तो यार ये यूथ की तो मतलब गर्म खून होता ही है बेसिकली, ठीक है। ये अपने दीवार पे चिपका लो, ये अपना मस्त बुद्धा का पोस्टर लगा लो, थोड़ा कीप योर नर्व कूल। कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, तो अपना काम करते रहो, समझ रहे हो। यार ये एक बात है, क्या 3 घंटे का है, मतलब आइदर यू मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है। लोग इसको ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार 3 घंटे में एग्जाम कुछ भी हो सकता है। यार फॉर्मूला वन का लुइस हैमिल्टन तो यार सारी रेस जीतता आ रहा है, उसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब लोग अपना चालू कर देंगे कि नहीं मैक्स वर्स्टैपन भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, चलो वो उस पर अलग कभी डिबेट करेंगे। फॉलो करते हो ऐसे, मैं मतलब फुटबॉल और F1 तो फॉलो करता हूँ काफ़ी। चलो देखो, अगर 3 घंटे में एक चीज़ है तो मतलब यू हैव टू बी गुड एट इट, ठीक है। इफ़ यू हैव टू बी गुड एट इट तो भैया टेस्ट सीरीज आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखो टेस्ट सीरीज मैं अभी तुम्हें जैसे बता रहा हूँ, अनअकैडमी पे आ जाता है ना सेशन पे, उस पर भी एकदम शिद्दत से तुम्हें समझाऊंगा। उसका हम इन्फाइनेटली लॉन्ग सेशन रख लेंगे, जब तक चलेगा जब तक एक एक का डाउट खत्म नहीं हो जाता, आज खत्म नहीं करेंगे सेशन, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, वैसे जब भी प्रॉमिस करता हूँ तो लिख देता हूँ कि अगर कभी कुछ भगवान न करे हो जाए तो बंदा मुझको स्क्रीनशॉट करके भेजे कि सर आपने प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस तोड़ कर नहीं अपना, ठीक है। तो देखो एक टेस्ट तो करेंगे जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा। अब देखो तुम्हारे लिए बच्चों की तरह एकदम ब्रेकडाउन किया है मैंने, ऐसा मुझे कोई दे देता तो मुझे मजा आ जाता कि सब्जेक्ट कम्प्लीशन का क्या मतलब, कम्प्लीशन का मतलब क्लास के नोट्स और तुमने प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ थोड़ा पेशेंस रखेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल क्या है मैं तुम्हें क्लास के एंड में बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्रैक इससे नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस ट्रैक केवल फुल सिलेबस से करेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट से बस अपनी मिस्टेक्स देखेंगे, ठीक है। रैंक पे ऐसे हाथ रख लेना, रैंक नहीं देखनी अपने को, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, क्या बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरी सुनेंगे, टेस्ट सीरीज से डरना डिजास्ट्रस हो सकता है यार, ठीक है, इट कैन बी डिजास्ट्रस। या मैंने कितने लोग सुने हैं बोलते हैं कि हम तो मतलब बढ़िया तैयारी चल रही थी, पता नहीं 1500 रैंक कैसे आ गई। अब यार एक बार बताओ अगर तुम टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज में इसमें 3000 लोग बैठ रहे हैं, यही 3000 लोग तुम्हारा गेट देंगे, और जब ये लोग टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हैं मतलब ये सीरियस लोग हैं, इनमें तुम्हारी रैंक अगर स्टार्टिंग से ही मतलब 100 या 50 में आ रही है एंड कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि आज घोट लगा दी और दे दिया तो आ गई, कंसिस्टेंटली तुम आ रही है फुल सिलेबस में, तो तुम आराम से टॉप 200 टॉप 300 तुम्हारी रैंक आ जाएगी, टॉप 400 में आराम से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इस चीज़ को और बेटर कैसे कर सकते हैं कि यू नो यू ज्वाइन 2-3 टेस्ट सीरीज, ठीक है, अभी डू नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। या इसमें हो सकता है कि यू ज्वाइन यू नो 2-3 टेस्ट सीरीज, ओके। तो यार अभी क्या होगा कि इफ़ यू ज्वाइन 2-3 टेस्ट सीरीज तो तुम्हारे ये जो लोग वाला है ना कि कितने 3000 लोग, ये तुम्हारे ये बेसिकली बैंडविड्थ और बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इट जस्ट इंक्रीजेस। तो टेस्ट सीरीज को हमें फियर नहीं करना, मैं तो कहता हूँ कि तुम पहले टेस्ट दो अपनी नोट्स, चीटिंग कर लो पहले टेस्ट में, पहले 5 टेस्ट में तुम चीटिंग करके दो, अपनी नोटबुक रख लो सामने और नोट्स देखो और सॉल्व करो। डर हटाओ यार, आज ही जाओ एप्टीट्यूड का टेस्ट खोलो, ठीक है, टेस्ट का स्क्रीनशॉट लो, टेस्ट बंद करो, आंसर उसका निकालो, एक दिन लो 2 दिन लो, फिर जाओ उसमें फुल नंबर ले, ठीक है, तुम अपना डर निकालो पहले टेस्ट सीरीज से, ठीक है। और ये बात ज़रूर समझेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा यार मैं स्पीड अप करता हूँ क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते हैं। अगेन फ्रॉम योर एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना यार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिया हुआ है मैंने लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दिया हुआ है। 8:10 हम इस पर विस्तार में बात करेंगे, इट विल बी एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सेशन, जब तक तुम्हें चाहिए और तब तक मैं तुमसे बात करूँगा इस बारे में, ठीक है। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करेंगे क्लास नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जो लोग यार इस वीडियो को लेट देखने वाले हैं तो वो लोग अनअकैडमी पर जाके भी मेरा सेशन देख लेंगे, रिकॉर्डेड हो जाएगा वो, ठीक है। मेरा कोड यूज़ करेंगे जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत हो, आई विल गेट यू द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, ठीक है।
और अगर फिर भी किसी की कोई कसर रह जाती है तो यू कैन फॉलो मी हियर, ठीक है, तुषार डॉट रेपो इज द प्रोफाइल। अच्छा अब यार अब एक काम की बात ये है कि यू हैव टू एंजॉय द गेम बेसिकली, ठीक है। ये देखो अब ऐसे नहीं होगा कि तुम मतलब लगभग हर वक्त लगे रहो ऐसे, तुम आज तो तुमने यू नो फरहान अख्तर का गाना सुन लिया जिंदा और तुम आज तो काम कर लिए फिर अगले दिन बस हो गए। अगर तुम रोज़ 5 घंटे पढ़ो, कौन कह रहा है, काफ़ी हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने निकाले काफ़ी हैं, मेरे दोस्त दिवाकर है उसने भी निकाला है, तो मतलब वो पहले 2 महीने तो 10 घंटे पढ़ता था, फिर उसके बाद फिर से 7-8 घंटे पे आ गया था, ठीक है। तो समझा करो, एकदम हल्क नहीं बनना है, हल्क आयरन मैन नहीं बनना है, अपना आराम आराम से चलते रहो करते रहो। तो देखो जब प्रिपरेशन लंबी है तो तुम्हें अपने आप को ट्रीट भी करना पड़ेगा, ठीक है, इट इज़ यू वर्सेज यू। अगर कल को तुम्हारे 25 में से 10 नंबर आए थे और कल को तुम्हारी रैंक आई थी मान लो 300-350, आज तुम्हारी रैंक आई है 270, तो यू हैव टू यू नो ट्रीट योरसेल्फ, ठीक है। और देखो क्रिप नहीं करना, ये नहीं करना कि यार पता नहीं मैं कंट्रोल क्यों पढ़ रहा हूँ, यार मशीन तो घूमती नहीं है, समझ नहीं आता, यार यू स्टार्टेड इट ना, तुम्हें करना था ना, सोच लो तुम्हें करना था ना, तुम्हें करना था तो करो शांति से। हैव अ हेल्दी फ्रेंड सर्कल यार, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। अभी लोग कह रहे थे PSU पता नहीं क्या होगा, मैं पहले से बोल रहा था कि डिले हो सकता है, डिनाई नहीं होगा प्रोसेस। अभी NTPC की देर आर 280 सीट्स, डू गेट इट, 280 सीट्स आ रही है NTPC की, तो प्रोसेस डिले हो रहा है यार कोविड के कारण, डिनाई कभी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा मैं भाई रैम्प अप करना पड़ रहा है यार। अच्छा ये बात बच्चा कान खोल के सुनेगा, ये बात सुनना, प्रैक्टिस सोर्सेज कन्वोडिया भिमरा मुझे नहीं पता यार, मैं मेरा दोस्त दिवाकर अभिमन्यु की तो ऑल इंडिया रैंक 19 यार, ये मैंने उनसे ही बात करी, इतना ही होता है। सुनो इलेक्ट्रिकल की प्रीवियस ईयर किताब, एक एक क्वेश्चन मतलब चप्पा चप्पा छान मारेंगे, इन क्लास प्रॉब्लम्स एंड इन क्लास DPPs मतलब जो टीचर करा रहे हैं उसको भी सॉल्व अच्छे से करेंगे, और टेस्ट सीरीज, बस 2 टेस्ट सीरीज को दे देना, उसको तुम्हें फिनिश करना होगा, फिनिश देम ऑल, ठीक है। अगर तुमने ये एक, ये दो, ये तीन चीज़ एक एक की कर ली है कि तुम मेरे पास आओ कि सर मैंने एक एक की कर ली है, ठीक है, तब तुम्हारी रैंक आराम से टॉप 100, चलो मैं मतलब ये थोड़ा तुम मैं थोड़ा रियलिस्टिकली इसको रख देते हैं, तुम्हारी रैंक टॉप 200 से 300 में तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला कि मतलब इसको रियलिस्टिकली रख देते हैं, क्योंकि यार गेट एग्ज़ाम के दिन भी थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब थोड़ी एक आध चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, जितना हमारे हाथ में है उतना हम करेंगे। अब तुम इतना कर लो और तुम्हारी रैंक अगर टॉप 200 या 300 में आए फिर बताना। पर ये बात है कि जब तक तुम ये तीनों चीज़ें कंप्लीट निकल लेते ना तब तक रोगे नहीं, तब तक ये नहीं करोगे कि सर कन्वोडिया बता दो, भिमरा बता दो, नहीं यार इतना तो करो। और किसी का इतना हो जाए फिर रोने का मन करे कन्वोडिया भिमरा, फिर यार तुम ये करो ना, ECE की किताब उठाओ, इंस्ट्रूमेंटेशन की किताब उठाओ प्रीवियस ईयर की, उसमें जो कॉमन टॉपिक्स है ना वो खत्म कर डालो, इतना कर लोगे अब आ जाएगी तुम्हारी टॉप 100 में, अब तुम्हारी मतलब भगवान भी नहीं रोक सकता, फिर तो मतलब खुदा तुम्हारे पास आएगा और पूछेगा कि बता तुझे क्या चाहिए, समझ रहे हो, ये बात है, ठीक है। तो मेरा सिलसिला ऐसे चलता रहा कि यू नो इतना कुछ कर लिया मैंने, अब तुमने यार इतना कुछ कर लिया तो पहले तो मुस्कुराओ, ठीक है, गेट के एग्जाम से पहले मुस्कुरा के जाना, मतलब मुस्कुरा पाते नहीं है, मैं भी नहीं मुस्कुरा पाया था, पर थोड़ा मुस्कुराना यार, ठीक है मैंने सब कर लिया सब अच्छा होगा, ठीक है। फिर ठीक है ये तो चलो मैंने अभी कवर किया था फ्रॉम योर एंड वाली पार्ट, ठीक है, ये तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लेना, बेसिकली इसका मतलब ये है। फिर आ गई मेरी रैंक जॉब के साथ, आ गई मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 86, ठीक है, आ गई मेरी ऑल इंडिया रैंक 86 और मैं हो गया खुश, ठीक है। दिस इज माई पिक्चर राइट आफ्टर गेटिंग द रैंक, समझ रहे हो यार, ये बहुत एक दिस अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यू नो। तो फिर जैसे ये हुआ देना, यू नो आई इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स, आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स, आई इन्फॉर्म मतलब माई फ्रेंड्स, यू नो अमित यादव, अभिज्ञ, लावण्य, माई ब्रदर अभिनव, माई पेरेंट्स, इन्फॉर्म देम एंड देन यू नो इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पी मोमेंट यार, मतलब शक्ल पर दिख रहा है कि बंदे ने मेहनत करी है। जॉब के साथ मैं तुम्हें सेशन में आना बताता हूँ, जॉब के साथ अलग स्ट्रेस होता है ना कि यहाँ पे अच्छा करूँ या फिर तैयारी में अच्छा करूँ, कहीं भी अच्छा नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब यार आगे का रास्ता क्या है, पहले देख लेते कि रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। देखो यार आगे का रास्ता क्या है, अभी तो यार आगे मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे हमेशा से ही मतलब पढ़ाई में थोड़ा इलेक्ट्रिकल में तुमको बताया कि मेरा इंटरेस्ट है, पर यार मैं अपने यहाँ पे थोड़ा अपने स्टाइल से पढ़ाऊँगा, आई विल बी मोर लाइक अ सीनियर एंड लेस ऑफ एन एजुकेटर, और मुझे यार अकेडमिक से जुड़ने का मन है, MTech करने का मेरा मन है, ठीक है।
एंड मैं कैसे हेल्प करूँगा यार, मैं ऐसे हेल्प करूँगा कि बेसिकली आई नो योर पेन, ठीक है? तुमको लाइफ में, यार मैं समझ रहा हूँ, तुमको लाइफ में पेन होंगे बहुत सारे, तुमको लाइफ में पेन बहुत हैं कि यार दोस्त की तो जॉब लग गई, ठीक है, दोस्त की तो पिंकी बहुत मस्त है, यू नो, दोस्त की दोस्त है ना, कि यार मुझे तो मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है, है ना, कि यार यू नो पेरेंट्स डांटते रहते हैं, यार मशीन्स पढ़ा था पूरा एक हफ्ता अच्छे से पढ़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है, आई नो योर पेन, आई ऑल्सो नो द गेन, यार आई ऑल्सो नो द गेन, मुझे खुशी ही पता है कि यार जो रिलीफ मिलता है, मतलब आई क्राइड द डे आई गॉट द ग्रेट रिजल्ट, ठीक है, आई नो द हैप्पीनेस, ठीक है, एंड आई हैव एस्ड द टू एग्जाम्स, ये तो टू टफेस्ट एग्जाम है, दोनों IIT बनाता है, मुझे पता है कि मतलब हाउ द मेंटेलिटी वर्क्स, आई हैव स्टडीड अंडर IIT के प्रोफ्स, आई नो कि वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो तीनों तरफ से मैंने कवर कर लिया ये चीज़, यू नो IIT के प्रोफ्स, IIT JEE और गेट का एग्जाम, एंड आई हैव फेयर्ड आउट प्रीटी वेल, तो आई नो हाउ टू डील विद इट, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम योर एंड यार ये सब ये करेंगे लोग अभी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पहला यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, सेशन के लिए एनरोल करेंगे जो आज 10 बजे है, ठीक है, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेंगे, ठीक है, तुषार चौधरी मेरा नाम है, उसका भी लिंक नीचे दिया रहेगा, मेरा कोड यूज़ कर लेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़े, तो एक्चुअली सेशन में मेरे कोड की ज़रूरत पड़ेगी, आज ही करेंगे, ठीक है, और अगर ये सेशन आपको रिकॉर्डेड भी देखना है तो भी आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी, और ये मेरी ID पे आप अगर कोई फर्दर डाउट है, और डिस्काउंट के मैं आपको मैक्सिमम करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों, आई मेक इट मैक्सिमम फॉर यू, चलो ठीक है यार, बड़ा अच्छा लगा, मतलब तुम लोग आए देखने, थैंक यू, आई थिंक एक स्लाइड और है इसमें आगे, अच्छा नहीं, इट्स डन, या चलो चलो दोस्तों, थैंक यू, अब जाने से पहले यार 2-3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, जाने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो तुम्हें दिया हुआ है उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मेरा जो अनअकैडमी का सेशन है बेसिकली नो योर एजुकेटर करके, नो योर एजुकेटर करके, ठीक है, उसके लिए एनरोल करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे, ओके, और कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो तुषार गेट का आप कोड यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, अनअकैडमी का जो इंटरफेस है उसको पता चलेगा कि यू नो मतलब तुम्हें मेरा अगर सेशन बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा तो इट्स मोर लाइक अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड मोर लाइक अ फीडबैक, फिर तुम्हारी कोई भी हेल्प हुई, और यार अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है, सुन लो यार इस बात को, बहुत ही एकदम बाइबल वर्ड्स हैं, आई प्रॉमिस हियर अगेन, आई एम राइटिंग प्रॉमिस, तुम्हारा कोई भी डाउट होता है पर्सनल, रिलेशनल, ठीक है, पर्सनल, एजुकेशनल, रिलेशनल, मेंटल, जस्ट रीच मी आउट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे रीच करना, मुझे पर्सनली मैसेज करना, आई विल टोटली आंसर इट जितना मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से, ठीक है, और यार अनअकैडमी के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं आप लोग ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी फ्लक्स ये जो चैनल है आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है यार, तो चलो अभी चलते हैं, आज के सेशन में यार ज़रूर आना, जो लोग लेट आ रहेंगे वो सेशन को रिकॉर्डेड देख लेना, उसमें मैं आज पूरी सारे ही डाउट्स लूँगा तुम्हारे, यार बहुत लोग आने वाले हैं, चलो थैंक यू यार, ख़त्म करते हैं इस सेशन को, दिस इज तुषार चौधरी एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.